Hello everyone, welcome to my channel's VS Education Subbank. Today I am here to discuss LIC's strength pre-2019 jo exams abhi hua tha 13th of October 2019 ko. Uske sare complete analysis aapke liye laya hoon, all about SIPs ka, jo 4 SIPs aapke exams hue hain, sare SIPs ka apan discussions karenge, acche level pe memory based questions si, jo questions mere ko ek tarah se keh sakte hain kisi ne send kiya hai, wo sare questions apan discussions karenge, acche level pe questions bhi hain, kuch acche level pe kuch ek tarah se keh sakte hain simplifications, approximations, aapke arithmetic ke questions, kis basis pe puzzles aayi thi, sara kuch apan discussions karenge, 100% jinka bhi exams 31st of October ko होने वाला है उसकी जरूर कर कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करेगा ओके तो माय डियर एस्पिरेंट्स कंप्लीट वीडियो देखिएगा अगर कोई भी डाउट हो कोई भी आपके क्वेरीज हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी आप पूछ सकते हैं सर इसमें कोई डाउट्स है किस बेसिस पे है सारा कुछ अपन डिस्कशंस करेंगे हिंदी से बेसिस पे इंग्लिश से बेसिस पे कट ऑफ क्या है नेगेटिव मार्किंग क्या है सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कशंस कर लेंगे ओके आइए स्टार्ट करते हैं सेशंस को एंड बिफोर दैट इफ यू आर न्यू स्टूडेंट इन माय चैनल तो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लें देन लाइक करें वीडियो को देन शेयर करें वीडियो को ताकि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तक पहुंच पाए राइट एक बार मैं और बता दूं जो क्वेश्चंस मैंने करवाए थे अर्थमेटिक्स वो 100% अपने एग्जाम्स दिया हूं 100% मेरे वीडियो वॉच किए हैं तो 100% आप बता पाएंगे कि सर यहाँ यही क्वेश्चन थे ओके आइए स्टार्ट करते हैं सेशंस को फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एनालिसिस देखते हैं देखिए किस बेसिस पे एनालिसिस है देखिए क्या कहता है फर्स्ट है इंग्लिश राइट इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको बता दूंगा जो हिंदी में एग्जाम देंगे उनके लिए भी जो इनका भी हिंदी में वो कंफ्यूज ना मैं सारा कुछ आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा हिंदी से रिलेटेड भी और इंग्लिश से रिलेटेड भी ओके देखिए इंग्लिश में आज के बेसिस पे इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रीहेंसिव राइट 10 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंसिव से रिलेटेड क्वेश्चन थे राइट एंड ग्लोबल्स के बेसिस पे कुछ पैसेज आया था ओके जिनकी एबिलिटी रीडिंग्स की अच्छी है 100% रेगुलर वॉच करते हैं सेशंस मॉर्निंग वाला इंग्लिश वोकैबुलरी विद सेंटेंस के साथ तो आई गारंटी आपका ये सेक्शन स्टैंड मार्क्स कहीं नहीं जाना चाहिए माय डियर एस्पिरेंट्स अगर आप न्यू हैं चैनल्स पे अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं इंग्लिश आपकी वीक है तो रेगुलर मॉर्निंग्स में आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं रेगुलर इन द हिंदू एडिटोरियल पोर्शंस में से वोकैबुलरी सर्च करके मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ ओके पैराजम्बल के 5 क्वेश्चन थे फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चन थे सेंटेंस रीअरेंजमेंट राइट एडवांस जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट करते हैं वो उसके 5 क्वेश्चन थे एरर के कुछ क्वेश्चंस थे 5 क्वेश्चंस ऑल अबाउट सिर्फ में कुछ क्वेश्चंस में मिस स्पेल्ड हो किसी में सिर्फ में मिस स्पेल्ड के क्वेश्चंस थे किसी में इस टाइप के सारे ऑल ओवर पैटर्न्स थे ओके तो इसके बेसिस पे आप प्रिपरेशंस हैं तो 100% आप अच्छा कर पाएंगे ओके इंग्लिश का ये हुआ हिंदी में मैं बता दूं आपको मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के हिंदी में प्रॉब्लम हो सकती है सर हिंदी कैसे हम सेलेक्ट करेंगे किस बेसिस पर लैंग्वेज आएगी राइट तो माय डियर स्टूडेंट्स एग्जाम्स में आप तुरंत सेटिंग करेंगे बैठते ही तुरंत आपको मालूम होना चाहिए वो टाइम के बेसिस पे होता है ओके टाइम किस बेसिस पे काउंट होता है उसके बाद आपको खुद ही ओके वहां पर मैसेज शो होता है कि ओके कीजिए राइट अब आप ओके करेंगे आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करेंगे तो देन आप भाषा सेलेक्ट करके राइट देन आप भाषा एक तरह से लैंग्वेज डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है डिफॉल्ट लैंग्वेज मीन्स आप हिंदी में एग्जाम्स देना चाहते हैं या इंग्लिश में राइट ये आपके ऊपर डिपेंड है अगर आप हिंदी में एग्जाम्स देना चाहते हैं तो ऑल ओवर यानी कि मैथ्स के भी क्वेश्चन हिंदी में आएंगे और आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चन हिंदी में आएंगे डिफॉल्ट लैंग्वेज में ओके तो यहाँ देखिएगा वहाँ सर्च करना वो इस टाइप से मैटर करती है एंड देन वन मोर क्वेश्चन अगर आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो हिंदी आपके रीजनिंग्स में मैथ्स के क्वेश्चंस भी आपके इंग्लिश में आएंगे सपोज आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो सारे क्वेश्चंस आपके हिंदी में अवेलेबल होंगे तो उसमें रिलेटेड लैंग्वेज में कोई आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए एंड देन वन मोर क्वेश्चंस इसमें हिंदी है तो आप एग्जाम स्टार्ट होते ही तो तुरंत आपका फर्स्ट ऑफ ऑल यही खुलेगा इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में से जो आपको देना उचित लगे वो आप दे सकते हैं एग्जाम्स राइट इंग्लिश एंड हिंदी ऑप्शंस में होगा ऊपर ही ऊपर कॉर्नर्स में राइट सपोज ये आपकी स्क्रीन्स है राइट एकदम एग्जाम्पल्स में बता दो सपोज ये आपकी स्क्रीन्स है
यहाँ पर तो आपके मार्क्स काउंट, यहाँ पर तो आपके नंबर्स जो आप क्वेश्चंस टिक करते हैं वो सारे काउंट होते हैं, ग्रीन होता चला जाता है ओके, यहाँ पर सारे। एंड देन यहाँ पर टाइम काउंटिंग्स भी होता है, यहाँ पर टाइम काउंटिंग भी होता है। एंड देन यहाँ पर आपके एक कुछ पैसेज बना होता है ओके। तो देन यहाँ पर एक तरह से, यहाँ पर हिंदी इस टाइप से, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के बेसिस पे ऑप्शंस होगा दोनों में। ये हिंदी हो सकता है, ये इंग्लिश हो सकता है, दोनों में आप सेलेक्ट करके, सपोज आपने इंग्लिश सेलेक्ट किया तो इंग्लिश में खुलेगा, हिंदी सेलेक्ट किया तो हिंदी का सारा पेपर एक तरह से कह सकते हैं एग्जाम्स आपके ओपन हो जाएगा। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये एक तरह से हिंदी का मैटर है। हिंदी में बता दूं क्वेश्चंस कैसे पैसेज पाएंगे, पैसेज आएगा आपका 10 क्वेश्चंस का, 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का पैसेज पूछेंगे, उसमें कुछ वर्ड्स पूछ सकते हैं पैसेज। एक स्टूडेंट ने बताया था उसका पैसेज आया था आपके एज कम्पेयर टू अर्बन और रूरल्स एरियाज में कंपेरिजन्स करने, यानी शहरी और ग्रामीण के बेसिस पे कंपेरिजन्स करना, शहर में ज़्यादा विकास हो रहा है एज कम्पेयर टू ग्रामीण में, ग्रामीण की व्यवस्था एक तरह से खस्ता हाल के बेसिस पे पड़ी है, वहाँ की पॉपुलेशन वो ग्रामीण लोग से उसके बेसिस पे बताया गया था। तो ये एक पैसेज आया था हिंदी में, मेरे को जो याद है मैं आपको ने मैं बता दिया ओके। कुछ अशुद्धियाँ भी वर्तन्स आई थी, जैसे कुछ वर्ड्स उसने बताए थे, सांसारिक परंपरागत क्रमानुगत क्रमानुगत एंड आपके पारंपरिक, ये इस टाइप्स के वर्ड्स, ओजस्वी, राइट, ये इस टाइप्स के शुद्ध वर्तनी के रूप में पूछे गए थे, अशुद्ध वर्तनी आपको फाइंड आउट करनी थी ओके। राइट, ये तरह हिंदी का एक तरह से एक पैसेज भी पूछा गया था, एक स्टोरी बेस्ड पैसेज पूछा गया था। स्टोरी बेस्ड इट मीन्स जो दो फ्रेंड्स होते हैं एकदम उनके मित्रता हो जाती है उसके बेसिस पे, परिवार पे, रिलेशंस पे, ये एक तरह से पूछा गया था। राइट, पैसेज के बेसिस पे ओके। एक अरेंजमेंट भी पूछा गया था सेट आपके हिंदी में ओके। तो ये सारे क्वेश्चंस थे ऑल ओवर फॉर्मेट में, 30 क्वेश्चन जो आपको उचित लगे वो आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सो गाइस आपको हिंदी एंड इंग्लिश में ऑल ओवर डाउट्स आर क्लियर, अच्छे से आपको समझ में आए हैं, तो प्लीज़ एक बार बता दीजिएगा सर समझ में आ गया, 100% कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका डाउट, देखिए एग्जाम्स से पहले सारे डाउट्स क्लियर कर लेना चाहिए, ताकि एग्जाम्स में बैठते ही तुरंत डाउट ना हो, कोई एक तरह से कह सकते हैं हेजिटेट ना हो एग्जाम से, ताकि आपका एग्जाम्स, आप हेजिटेट नहीं हो तो आपका एग्जाम्स 100% एक तरह से कह सकते हैं अच्छा जाएगा। राइट, मूविंग ऑन चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए सारा इंग्लिश का हो गया, हिंदी का हो गया, नेक्स्ट आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन से, 28+ मार्क्स। देखिए इंग्लिश में मैंने रखे थे आपके 24+, अगर आपने अटेम्प्ट किए तो दिस इज द सेफ अटेम्प्ट ओके। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखिए 28+ मार्क्स अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं, 28+ विथ एक्यूरेसी, माई डियर स्टूडेंट्स याद कर लीजिएगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो विथ एक्यूरेसी के साथ 28+ क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है तो 100% आप तो मेंस की तैयारी कर सकते हैं। राइट, अप्रोक्सीमेशन के 10 क्वेश्चन थे, डीआई का 5 क्वेश्चन थे, डीआई एक तरह से टेबुलर बेसिस, सॉरी फॉर दैट, टेबुलर बेसिस पे डीआई थी, नंबर सीरीज मिसिंग आपके, मैं आगे डिस्कशंस करूंगा, मैंने दिया है आपके मिसिंग नंबर सीरीज भी दी है, उसमें रॉन्ग नंबर सीरीज भी थी, 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। राइट, ये ऑल ओवर क्वेश्चन हो गए सारे आपकी 15 प्लस 5 20+5 25 एंड 10 देन 10 आपकी 35। राइट, ये सारे क्वेश्चन आपके 35 नंबर के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए, 35 में से 28+ विथ एक्यूरेसी, नॉट आपके कहे सर हमने कुछ कुछ स्टूडेंट सर हमने तो टोरे मारे हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारों पे क्लिक करके आ गए, तो ऐसा नहीं करना है, जो आपको आए वो ही करना है, जो आपको लगे कि हाँ इसमें बेसिस पे 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आप रिस्क ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट करना है ओके। मूविंग ऑन चलते हैं नेक्स्ट पे, आई होप सो गाइस क्लियर हुआ होगा, मैं सारे क्वेश्चंस लाया हूँ आपके लिए 100% मैं बताऊंगा। देखिए रीजनिंग एबिलिटी बहुत ही अच्छा सेक्शन था इसमें, आप अगर आपने 30 30 मैंने तो अप्रोस रखा था, अगर आपने 30 कुछ स्टूडेंट ने 35 35 भी कर दिए रीजनिंग उसमें। राइट, देखिए इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन थे, वेरी इजी क्वेश्चन थे, सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन थे, सिलॉक्स के इनइक्वालिटी मैं आपको बता दूँ, ए ऐसे ये वाली इनइक्वालिटी थी, ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से एंड सी, डी बड़ा है सी से, सी छोटा है डी से, तो इसमें बताना पूछना था कि इस बेसिस पे ए बड़ा है डी से एंड ए बराबर डी, ये क्वेश्चन आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। राइट, सिलॉग्स में फ्यू वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। राइट, केवल कुछ ये वाले ओनली फ्यू वाले, केवल कुछ ओनली फ्यू ये वाले क्वेश्चन पूछे गए थे ओके। ये क्वेश्चन पूछे गए तो प्लीज़ एक बार, अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं है तो आपके पास टाइम है, 100% आप कर सकते हैं सिलेबस के ये क्वेश्चन एक बार देख सकते हैं। राइट,
एंड पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट, राइट। सिटिंग अरेंजमेंट के आपके 15 क्वेश्चन थे, सर्कल बेस पर एक सी पजल सी, लीनियर बेस पर सी, 8% को अरेंज करना, सर्कल में भी 8% सी थे, राइट, 8% सी थे, इसमें भी 8% को अरेंज करना था, और लीनियर में भी 8% को भी अरेंज, नॉर्थ साइड ओनली फॉर, एक तरह से कह सकते हैं नॉर्थ बेसिस पे देख रहे हैं। बॉक्स पेज में भी 5 क्वेश्चंस थे, 8 बॉक्सेस को अरेंज करना था, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। कोडिंग रिकॉर्डिंग्स थी आपकी, चाइनीज कोडिंग थी सारी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जिसमें बोलते हैं ये एक तरह से सिंबल्स दे दिए, कुछ मार्क्स दे दिए, नंबर दे दिए, इसमें बताना था राइट से कौन है, लेफ्ट से कौन है, ये सारा कुछ आपको बताना था। ये अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चंस हो गए। तो इसमें मैंने 30+ मार्क्स आपके रखे हैं। आई होप अगर आपके पास भी कोई भी क्वेश्चंस हो तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स बताइएगा, क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सर इस टाइप के क्वेश्चंस से 100% जिनका भी एग्जाम्स हुए उसकी एक स्टूडेंट की हेल्प हो पाए, राइट। अब देखिए क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस थे फ्राइटन, फर्स्ट ये मेमोरी बेड क्वेश्चंस थे। देखिए फ्राइटन्स, ये फर्स्ट क्वेश्चन, राइट, फ्राइटन्स, इसको आपको बताना था कि आपको ओनली फॉर बाएं से दाएं, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, नॉट मोर देन यहाँ, ओनली फॉर, इसमें सिंपली कि अगर देखिए कंफ्यूज नहीं हो, अगर नहीं कह रखा तो आप बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों साइड से आप निकाल सकते हैं। अगर कह रखा है क्वेश्चंस में कि बाएं से दाएं ओनली फॉर, तो आप ओनली फॉर बाएं से दाएं जिनके नंबर्स अरेंज करते हो, जिनके नंबर, जिनके जो नंबर्स जो एकदम रिप्लेस एकदम सेम वाली हो, यानी कि एक तरह से मैं बता दूं इसकी एफ GHIJS टाइप से, जो एकदम एग्जैक्ट फिगर्स में लाओ वो एक वहां पर आंसर होना चाहिए। तो ये फाइटन्स वर्ड था, याद कर लीजिएगा। एंड देन एक रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस थे, ये मैंने क्वेश्चंस बहुत बार करवाए, ये मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, मैंने 100 क्वेश्चंस का PDF भी आपको दिया हुआ, ये भी आप जाके देख सकते हैं। आई गारंटी उसमें से बिल्कुल बाहर नहीं क्वेश्चंस आए, उसमें से लो लेवल के ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। ओके 100% आपने देखा, तो आई गारंटी आप अच्छे लेवल पे मार्क्स कर पाए हैं। ओके एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन आपकी रिसिंग नंबर सीरीज है, फोर्थ आपके वन फिफ्थ 14, 30 एंड 55 एंड देन क्वेश्चन मार्क, ये आपके मिसिंग नंबर सीरीज हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक्स हैं, मैंने क्वेश्चन बहुत अर्थमेटिक्स सॉल्व करके जाइएगा। माय डियर स्टूडेंट्स मेरे जो वीडियोस अपलोडेड हैं प्लेलिस्ट में, लग 95 क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, तो प्लीज़ एक बार जाइए देख लीजिए, सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन देख लीजिए थंबनेल पे। आई गारंटी मैं कहता हूँ आपको एग्जाम्स में आपके 15 आप मैथ्स में भी 35 ऑफ 35 आप करके आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि उससे बाहर लेवल नहीं दे सकता एग्जामिनर आपको। ओके तो प्लीज एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, अभी आपके पास भी टाइम है। ओके नेक्स्ट देखिए, ये सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के 6, 7, 8, 9, 10, ये सारे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन से देख लीजिएगा। एंड एक क्वेश्चन मेरे को शायद रिमेम्बर हो रहा है, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 1.5 प्लस x, राइट, ये मेरे को रिमेम्बर हो रहा है, 3/5 = 1/17/105, राइट, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है, राइट। ये क्वेश्चन एक पूछा गया था, 1/5 था या 1/3, ऐसा 1/3 होना चाहिए, 1/3, राइट, नॉट 5, 1/3, 1/3 प्लस एक्स प्लस 3/5, यानी कि एंड 105, 1 एंड 17, राइट। ये क्वेश्चन था, इसका आंसर बताएगा, एक ये आप कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, राइट। टोटल आपके 11 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर अच्छा लगा वीडियो सर कुछ हेल्प हुई है तो प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स एक बार लाइक बटन में प्रेस जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, अपने ऑल ओवर ग्रुप्स में, जिनके भी आपका एग्जाम्स कल है उनकी एक स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए, अच्छे से मार्क्स वो गेन कर पाए, राइट, एंड मोटिवेटेड होके एग्जाम्स में देने जाइएगा। अगर आपका एग्जाम्स है 100% एग्जाम्स, इतना एक तरह से कह सकते हैं इजी इजी टाइप का एग्जाम्स आ रहा है, तो प्लीज़ एक बार इतना एक तरह से कह सकते हैं कि LIC है थोड़ा हार्ड दे सकते हैं, तो कोई हार्ड नहीं, थोड़ा एक तरह से कह सकते हैं नॉर्मल होगी, नॉर्मल बेसिस पे, बिल्कुल बिल्कुल कोई लोड नहीं है आपके ऊपर, ओनली फॉर आप एग्जाम्स अटेंड करना है, अच्छे अटेम्प्ट करने, ऐसा नहीं हो कि 100% से 35 स्टेप्स अटेम्प्ट करके मैं भी करता हूँ, नो, जो आपको आता है वो करके आइए। ओके
और क्वेश्चन जरूर सजेस्ट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके आई होप सो गाइस अच्छा लगा होगा वीडियो, तो प्लीज़ अगर तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग्स। आई होप सो गाइस आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, प्लीज़ सेशंस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, इनका भी एग्जाम्स है। ओके थैंक यू सो मच।